उत्तरी सेरेंगेटी पानी की एक शांत सी धारा और धारा के किनारों पर उलझी हुई झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों वाले जंगल यानी गैलरी फॉरेस्ट्स जो कई किलोमीटर तक फैले हैं। यही हमारी लेपर्डिस का घर है। इसने यहां अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है। साल भर का बच्चा किसी बड़े तेंदुए जैसा दिखने लगा है, लेकिन ये अब भी खेलने और शरारत करने में लगा रहता है। ये सबसे मुश्किल और खतरनाक महीने झेलने के बावजूद सही सलामत है और अब बेधड़क अपने आसपास की हर चीज को परखता रहता है। जुलाई के अंत में माइग्रेट कर रहे हैं विल्डेबीस्ट के बड़े बड़े झुंड। टेंजानिया की सरहद पार करके ये केनिया में आ जाते हैं, मसाई मारा रिजर्व में, इस मादा तेंदुए के इलाके में। माँ और बेटा पूरी तरह सतर्क हैं। विल्डबीस्ट के बच्चे बढ़िया शिकार हैं, लेकिन सिर्फ तेंदुओं के लिए ही नहीं, इन झाड़ीदार इलाकों में शेर भी शिकार करते हैं। दोनों बिग कैट्स अचानक एक दूसरे के सामने आ सकती हैं। सभी बड़े शिकारी एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, क्योंकि दोनों ही एक जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। फिलहाल तेंदुए का पूरा ध्यान अपने मकसद पर है। शेरनी का ध्यान भी शिकार पर है। एन मौके पर इसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। शेरनी वहां पहले से पहुंची हुई है, लेकिन शायद इससे मादा तेंदुए की जान बच गई। वो शेरनी से लड़कर नहीं जीत पाती। इसके बेटे ने बिल्कुल सही काम किया, वो चुपके से खिसक गया। शिकार में भले ही किस्मत खराब रही, लेकिन शुक्र है कि ये सही सलामत बच गई। आज कोई दावत नहीं होगी। ये पहले के एक शिकार के बचे खुचे हिस्से से काम चला रहे हैं। अब ये दोनों साथ मिलकर शिकार करते हैं, लेकिन बेटा जितना बड़ा होता जाएगा, माँ उसे उतना ही कम बर्दाश्त करेगी। इसका ख्याल रखना मुश्किल काम है, क्योंकि इसकी भूख बढ़ती जा रही है। जब मांस कम हो और खाने की कमी हो, तो हड्डी का हर एक टुकड़ा भी मायने रखता है। लेकिन अगले 3 महीनों तक यहां इतने विल्डबीस्ट मौजूद होंगे कि मादा तेंदुआ अपना और अपने बेटे का पेट आसानी से भर सकेगी, और बेटा अपना ज्यादातर वक्त ऊंचे पेड़ों पर बिताता है, पूरे इलाके पर नजर रखकर छोटे शिकार की तलाश करता रहता है। सितंबर में जब विल्डबीस्ट आगे बढ़ जाते हैं और दक्षिणी सेरेंगेटी में लौट जाते हैं, तब मादा तेंदुए के लिए वक्त हो जाता है स्थानीय शिकार पर लौटने का।
एक बड़ा रीड बक दो तेंदुओं के लिए काफी है। बच्चा अब जी भर के खा सकता है। अब ये 1.5 साल का हो चुका है। ये किसी जवान तेंदुए से कम नहीं, लगभग अपनी मां जितना बड़ा हो गया है। हालांकि अगर इसका बस चले तो ये हमेशा अपनी मां के साथ ही रहेगा। लेकिन इसके सर पर मां की छत्र छाया ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। वो एक नर से मिलने वाली है। इसकी गर्दन की ताकतवर मांसपेशियों से जाहिर है कि ये एक तगड़ा जवान नर है। नरों का इलाका कई मादाओं के इलाकों में फैला होता है और ये मिलन के मौके की तलाश में उनमें घूमते रहते हैं। मादा की गंध के निशान इसे यहां खींच लाए। ऐसे समय में मादा तेंदुआ अपने बेटे में दिलचस्पी खोकर अक्सर अकेले घूमने लगती है। यहां तक कि शिकार तक में भी इसकी दिलचस्पी नहीं होती। वो झाड़ियों के पीछे से बड़ी आसानी से इस खरगोश को हथिया सकती थी, लेकिन उसने इसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। ये कई दिनों तक अपने इलाके में घूमते हुए अपनी गंध के निशान छोड़ती रहेगी। तेंदुआ परिवार के लिए जल्दी ही बदलाव आने वाला है। कुछ दिन बाद एक दुर्लभ नजारा, तेंदुओं का एक जोड़ा, वो भी पूरी तरह से शांत। नर तेंदुआ मादा के साथ कुछ ही दिनों के लिए रहता है जब वो मिलन के लिए तैयार होती है। यही वो थोड़े से दिन हैं जब नर आसानी से नजर आ जाते हैं, वरना हमेशा छिपे रहते हैं। ये अगले कुछ दिनों तक कई बार मिलन करेंगे, जो ओव्यूलेशन के लिए जरूरी है। इसलिए अगले कुछ दिनों तक इन झाड़ियों में काफी हलचल रहेगी। इसका बेटा अब भी नदी के पास इनके ठिकाने पर है। अपनी मां का पिछला शिकार अब इसका हो चुका है। हो सकता है कि इसकी मां से मिलन करने वाला नर ही इसका पिता हो। चाहे जो भी हो, उनसे दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। इसके पास ही है ग्रे बैक्ड फिस्कल पक्षियों का घोंसला और वो इसकी मौजूदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये वहीं बैठा मांस खा रहा है जहां एक मादा फिस्कल अपने चूजों को पाल रही है। इन फिस्कल पक्षियों की पिछली संतानें माता पिता के साथ रहकर अगले चूजों को पालने में मदद करती हैं।
यही वजह है कि यहाँ इतने पक्षी शोर मचा रहे हैं। ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये दोपहर में आराम करने के लिए छांव ढूंढ रहा है और चूजों के लिए खाना लाने का कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया। इसे नदी के ठंडे किनारे पर एक शांत जगह मिल गई है। यहां से कई किलोमीटर दूर एक घने इलाके में इसकी मां अपने साथी के साथ सुस्ता रही है। तेंदुए शिकार तो बहुत दबे पांव करते हैं, लेकिन इनके मिलन में खामोशी बिल्कुल नहीं होती। और इन आवाजों ने शेरनी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसे तो ये लग रहा है कि कहीं दो तेंदुओं में लड़ाई चल रही है, इसलिए फिलहाल उनका ध्यान भटका हुआ होगा। नर थोड़ी देर के लिए आराम करता है। कुछ देर तक जंगल में खामोशी छाई रहती है। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए शेरनी को इनका पता ना चले। लेकिन यहां ज्यादा देर खामोशी नहीं रहेगी। क्या ये जख्मी कान खतरे की घंटी नहीं सुन रहे? शेर और तेंदुए एक जैसे जानवरों का शिकार करते हैं, इसलिए ये एक प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा पाने का अच्छा मौका हो सकता है। बाल बाल बची। फिलहाल प्रेम कहानी में रुकावट आ गई है। अक्टूबर के अंत में इस इलाके में एक बार फिर बारिश का मौसम शुरू हो गया। मिलन करने वाला तेंदुआ यहां से बहुत दूर है। वो अपने विशाल इलाके में गश्त लगा रहा है।
उसकी रेंज में कई मादा तेंदुओं का ठिकाना है। वो हमेशा इस तलाश में रहेगा कि कहां कौन सी मादा मिलन के लिए तैयार है। इसके दो ही मकसद हैं, जिंदा रहना और प्रजनन करना। लेकिन ऐसे मौसम में तो इसे भी सिर छिपाने की जगह चाहिए। लेपिडस अब अपना काफी समय अकेले बिताती है। इसे अब भी अपने बेटे की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन अब वो अकेले गुजारा करना सीखने लगा है। तेंदुए वैसे भी अकेले ही रहते हैं। इन हरी भरी झाड़ियों में रहने वाले इस तेंदुए के इर्द गिर्द शाकाहारी जीवों की भरमार है। अंजीर का पेड़ फल पसंद करने वाले जीवों को आकर्षित करता है, जैसे कि ये अफ्रीकन ग्रीन पिजन्स। इसे पंछी खाना पसंद नहीं, लेकिन ये पेड़ दूर तक नजर रखने और आराम करने के लिए अच्छी जगह है। यहाँ हर तरफ पशु पक्षी इस मौसम के तोहफों का मजा ले रहे हैं। हर तरफ हिरनों और दूसरे जानवरों के बच्चे दुनिया में लड़खड़ाता हुआ पहला कदम रख रहे हैं। ये थॉमसन्स गजल दोपहर के समय पैदा हुआ है, जब शिकारी आराम कर रहे होते हैं और बाहर नहीं निकलते। ये अगले कुछ हफ्तों तक घास में बैठा रहेगा, हालांकि यहां छिपने के लिए कुछ भी नहीं है। इम्पाला माओ के पास इस समस्या से निपटने का एक और उपाय है। शुरू में ये अपने बच्चों को घनी झाड़ियों में छिपाए रखती हैं और थोड़ी देर के लिए ही झुंड में लाती हैं। वापस आते समय ये अकेली है। बच्चे को जल्द से जल्द छिपने की जगह पर पहुंचाना है। कुछ हफ्तों तक नौजवान तेंदुए को शिकार करने के कई मौके मिलेंगे, लेकिन अभी इसे काफी कुछ सीखना है। हिरण का बच्चा ऐसे गायब हो गया मानो उसे धरती निगल गई हो। ये तेंदुआ जानता है कि बच्चा आसपास ही कहीं होगा। लेकिन मां को पता है कि उसका बच्चा कहां है। नौजवान तेंदुआ हवा की दिशा पर गौर नहीं कर रहा। बड़ी चालाकी से मां उसे ललचाकर छिपने की जगह से दूर ले गई। तेंदुए ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन एक डिक-डिक बीच में आ गया।
कोई फायदा नहीं। अनुभवी इम्पाला मां यहां से जा रही है। अब किस्मत बहुत तेज हुई तभी ये बच्चे को ढूंढ पाएगा। ये समझ गया कि कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। चार महीने बाद जनवरी आ गई। मादा तेंदुए ने अपने नवजात बच्चे को घनी झाड़ियों में छिपा दिया है। इसने उन्हें चाट कर अच्छी तरह साफ कर दिया है ताकि कोई गंध ना रहे और किसी को उनका पता ना चले। ये ज्यादा से ज्यादा वक्त उनसे दूर रहती है ताकि उनके छिपने की जगह उजागर ना हो। दिन में ये ज्यादातर समय शिकार करती है। दोनों बच्चियां दिन में अक्सर अकेली रहती हैं। ये बिल्कुल सही ठिकाना है, सबकी पहुंच से दूर और बिल्कुल छिपा हुआ। टहनियां इन्हें ढलान पर लुढ़कने से बचाए रखती हैं। कभी कभी इनकी माँ यहाँ से कई किलोमीटर दूर तक चली जाती है। दोपहर ढलने पर इसे अपने बच्चों के पास लौटना पड़ता है। ये बल खाती नदी के साथ नहीं चलती बल्कि घास के मैदानों के पार सीधा रास्ता अपनाती है। ये नहीं चाहती कि कोई इसका पीछा करे। लेकिन आज खतरा इसके ठीक सामने है। पुराने दुश्मन एक बार फिर मैदान में आमने सामने हैं। एक बार फिर आखिरी पल में इसे खतरे का एहसास हो गया। दोनों में से कोई भी दौड़ने में माहिर नहीं है, खासकर लंबी दूरी तक। इनके बीच फासला इतना ज्यादा है कि दोनों में से कोई भी हमला नहीं कर सकता। लेपिडस भागी और शेरनी ने भी रफ्तार पकड़ी, उस पर दबाव बनाया। जब तक शेरनी यहां से चली नहीं जाती, मादा तेंदुआ अपने बच्चों के पास लौटने का जोखिम नहीं उठाएगी। अगली सुबह मादा सही सलामत छिपने के लिए अपने ठिकाने तक पहुंच गई। बच्चों को दूध पिलाकर इसने उन्हें फिर से चाट कर साफ किया ताकि कोई गंध न बचे। ये नन्ही मादाएं सिर्फ 10 दिन की हैं। अभी अभी इनकी आंखें खुली हैं और ये मुश्किल से चल पाती हैं। लेकिन ये जानती हैं कि मल त्याग करने के लिए घर से दूर जाना चाहिए। दिक्कत यह है कि ऐसा करने से दूसरे जानवरों को इनके ठिकाने का पता चल सकता है,
इसलिए माँ अक्सर घर बदलती रहती है। जब ये बच्चों की गर्दन पकड़ती है तो ये आधी बेहोशी जैसी हालत में पहुंच जाते हैं, इसलिए छटपटाते नहीं। माँ अभी जल्दी में है, ये नहीं चाहती कि बाहर कोई इसे बच्चों के साथ देख ले। आसपास शेरनी की मौजूदगी का खतरा लगातार बना हुआ है। एक के बाद एक ये दूसरे बच्चे के लिए वापस आई, लेकिन ये छिपने की इतनी अच्छी जगह थी कि दूसरे बच्चे को यहां से निकालने में दिक्कत हो रही है। आखिरकार इसने उसे झाड़ियों से निकाल लिया। ये उसे दूसरी बेटी के पास ले जा रही है। इस बार ये एक वॉटहॉग के बिल की हिफाजत में रहेंगे। वॉटहॉग्स द्वारा छोड़े गए ये बिल बहुत काम के हैं, क्योंकि दिन के समय बच्चे इनमें सबकी नजरों से पूरी तरह दूर रहेंगे। अगले कुछ महीनों तक ये बच्चे शायद ही किसी की नजरों में आएंगे और जल्द ही गैलरी फॉरेस्ट के तेंदुओं की अगली पीढ़ी में शामिल होंगे। तेंदुओं के बच्चों के लिए ये सबसे नाजुक हफ्ते होते हैं। ज्यादातर बच्चे बारिश, ठंड और दूसरी बिग कैट्स का शिकार बन जाते हैं। तीन महीने बीत चुके हैं और नन्हे बच्चों वाला ये परिवार मुश्किल घड़ी को पार कर चुका है। दोनों नन्ही मादाएं सेहतमंद और चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन इन्हें खुले मैदानों की आदत नहीं है और ये आसानी से डर जाती हैं। हालांकि नर इम्पाला इनसे डरता है, आखिरकार ये हैं तो तेंदुए ही। अब तक इन दोनों नन्ही मादाओं ने अपनी जिंदगी नदी के किनारे घनी झाड़ियों में बिताई है। अब माँ इन्हें शिकार के उस पुराने इलाके में ले आई है, जहां मिलन के बाद वो खुद भी नहीं गई। नदी की ऊंचे नीचे किनारों की दरारों में इसे छिपने की कई जगहों की जानकारी है, जहां इसकी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। नदी के किनारे का इलाका बच्चियों के खेलने कूदने के लिए बिल्कुल सही लग रहा है। ये हर चीज में दिलचस्पी ले रही हैं और माँ के पीछे पीछे नए घर की ओर जा रही हैं। यहां देखने समझने को बहुत कुछ है। लेकिन उनकी मां जानती है कि कुछ पड़ोसी खतरनाक भी हो सकते हैं। इन्हें मां के पास रहना चाहिए। और लेपिडस हमेशा खतरों पर नजर रखती है। जैसे कि बबून्स, जो तेंदुओं को बिल्कुल पसंद नहीं करते।
बड़े नर बबून से तो तेंदुए के बच्चों को बहुत खतरा हो सकता है। अब तक इन बंदरों ने तेंदुओं को नहीं देखा है और इन नन्ही मादाओं को भी अंदाजा नहीं है कि नए पड़ोसियों के साथ कैसे पेश आते हैं। ये इन जानवरों को पहली बार देख रही हैं। बबून्स के साथ भी बच्चे हैं। बेहतर होगा कि लेपर्डस उनसे दूरी बनाए रखे। आखिरकार ये बबून्स को नजर आ गए। मां तेजी से दूर जा रही है ताकि बंदरों को खतरा महसूस ना हो। बच्चियों ने आज कुछ ज्यादा ही झेल लिया। 1 किलोमीटर आगे जाकर मां रुकी और अपनी थकी हारी बेटियों को दूध पिलाने लगी। कहीं कोई देख तो नहीं रहा। जल्द ही बच्चियां फिर से उछल कूद में लग गईं। जंगल के किनारे से एक नर तेंदुए की निगाहें इन्हीं पर गढ़ी हुई हैं। मां को घुसपैठिए की पूरी जानकारी है। सभी बिग कैट्स की तरह नर तेंदुए भी दूसरे नरों की संतानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। मां इस पर कड़ी निगरानी रखेगी। शाम हो रही है और नर अब भी इन पर नजर रख रहा है। आखिरकार मादा ने पास जाने का फैसला किया। बेटियों को शायद इसका तनाव समझ में नहीं आ रहा है। ये इसका बड़ा बेटा है जो इस जाने पहचाने इलाके में अपने बूते पर जिंदा रहने में कामयाब रहा है। मां को इसकी मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं। इसकी नन्ही बेटियों के आसपास किसी भी नर की मौजूदगी एक खतरा है। नौजवान नर कुछ तय नहीं कर पा रहा। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक नन्ही मादा अपने बड़े भाई के पास आ गई। इसने शायद इसे पहली बार देखा है। मां के डर से नौजवान नर इस नन्ही बहन के साथ खेलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इसे अपनी मां के गुस्से का खौफ है, लेकिन ये जाने पहचाने माहौल में रहना चाहता है। दूसरी बेटी ने भी अपने बड़े भाई को खेलने के लिए राजी करने की कोशिश की, लेकिन मां को ये पसंद नहीं है। वयस्क बेटे को गलती नहीं करनी चाहिए। मां भी कुछ तय नहीं कर पा रही। ये बेटे पर से नजरें हटाकर बैठ गई, मानो इसने गुस्सा छोड़ दिया है। नन्ही मादाएं हार नहीं मान रही। अब पहली भी खेल में शामिल हो गई। बड़े भाई के लिए ये मुश्किल समय है।
इसकी माँ इसकी किसी भी हरकत को हमला मान सकती है। इसे यहां से चले जाना चाहिए। नई पीढ़ी को पालने के लिए मां को इस पूरे इलाके पर कब्जा चाहिए। नौजवान नर अगले कुछ हफ्ते ऐसे इलाके की तलाश में बिताएगा जिस पर किसी और नर का कब्जा न हो। ये छोटे जानवरों का शिकार करके पेट भरता रहेगा और जल्दी ही अपने पुराने इलाके से काफी दूर निकल जाएगा। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए इसे सख्त नियमों का पालन करना होगा। ऐसा ही एक नियम है, लकड़बग्घों और शेरों से दूर रहना। किसी बड़े शेर से पंगा नहीं लेना चाहिए और लकड़बग्घों ने हालात को देखते हुए बिल्कुल सही फैसला किया। किसी नौजवान तेंदुए के लिए ये सही जगह नहीं है। ये आगे बढ़ गया। ये रास्ते में ऐसे इलाके पसंद करता है जो इसे अपनी माँ की जगहों की याद दिलाते हैं, इसलिए ये ज्यादातर नदी के किनारे झाड़ियों वाले इलाके में आगे बढ़ता है। किसी नौजवान मादा की बजाय किसी जवान नर के लिए नया इलाका ढूंढना ज्यादा मुश्किल होता है। माएं अक्सर अपने इलाके के किनारे पर बेटियों की मौजूदगी बर्दाश्त कर लेती हैं। माँ बूढ़ी हो जाए तो बेटी उसके इलाके पर भी कब्जा कर सकती है। बेटे शिकार के लिए अपना अलग इलाका ढूंढते हैं और साथ ही मिलन के लिए मादाओं की तलाश भी करते हैं। ऐसी मादाओं की तलाश में उन्हें काफी दूर जाना पड़ता है जिनसे उनका खून का रिश्ता ना हो। उन्हें काफी बड़े इलाके पर कब्जा भी करना पड़ता है जिसमें कई मादाएं रहती हैं। किसी नए नौजवान नर के लिए ये काफी मुश्किल काम है। एक नर इम्पाला से इसका ध्यान भटका जो अपने इलाके की मादाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। अगर नरों के बीच लड़ाई हुई तो आखिरकार इसे एक थका हुआ और शायद जख्मी इम्पाला मिल जाए। नतीजे का इंतजार करना सही होगा। लेकिन चुनौती देने वाले नर ने जल्दी ही हार मान ली और खून खराबा होने से पहले ही नर ने उसे भगा दिया। यहां इसके लिए कुछ नहीं है। नए घर की तलाश में इसे उत्तरी सरेंगेटी का लंबा सफर तय करना पड़ रहा है।
मसाई मारा में एबनी ब्रशलैंड पिछले कुछ दशकों में काफी बड़े इलाके में फैल गया है। यही वजह है कि ये नौजवान तेंदुआ अपने बचपन के इलाके से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसे ये माहौल जाना पहचाना लगता है। ये नर जिराफ अपने लंबे मुकाबले के बाद भी शायद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। ये कई घंटों से लड़ रहे हैं। ये हट्टे कट्टे जवान बिल्कुल बराबरी के हैं। ज्यादा उम्र वाले नर शायद ही कभी लड़ते हुए देखे जाते हैं, और इतनी देर तक तो कभी नहीं लड़ते। नौजवान तेंदुआ इन अजीब जानवरों को अजीब हरकतें करते हुए देखता रहा। शाम को खुर वाले कई जानवर खुली जगहों पर जमा हो जाते हैं ताकि साथ मिलकर शिकारियों पर नजर रख सकें। जिराफों को देखकर शायद ज़ेब्रास को भी लड़ने का मन कर रहा है। शाम की आखिरी रोशनी में ये जानवर रात की पहरेदारी के लिए तैनात हो रहे हैं। लड़ रहे जिराफ भी अब शांत हो गए। तेंदुए के लिए ये दिन का सबसे अहम वक्त है। इम्पाला मादाओं का झुंड बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन कम उम्र के अकेले नर और बूढ़े कमजोर नर भी हैं। वो लापरवाही से झाड़ियों के किनारे तक आ सकते हैं। इस नौजवान तेंदुए के पास बड़ों जैसी ताकतवर मांसपेशियां भले ही ना हों, लेकिन अब ये भी अनुभवी और हुनरमंद शिकारी बन गया है, और ये इसके लिए पहली बार इम्पाला का शिकार करने का मौका साबित हो सकता है। नर इम्पाला इससे भारी हो सकते हैं और उनके सींग पहने होते हैं, लेकिन ये इस मौके की अनदेखी नहीं कर सकता। शायद इसने गलत शिकार चुन लिया। लेकिन अगर ये आजमाइश है तो ये इसमें कामयाब हो जाएगा। इस जीत से इसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे चलकर इलाके पर कब्जे की लड़ाइयों में इसके जीतने की संभावना बेहतर होगी। कई किलोमीटर दूर इसके पुराने घर के इलाके में नदी के किनारे इसकी मां दोनों नन्ही बेटियों को वैसे ही पाल रही है जैसे कभी उनके भाई को पालती थी। दोनों नन्ही मादाएं सेहतमंद और ताकतवर हैं।
एक बार फिर एक इम्पाला को मारकर पेड़ पर पहुंचा दिया गया है। नन्ही मादाएं खा रही हैं, लेकिन इन्हें ज्यादा भूख नहीं है और इन्हें कोई जल्दी भी नहीं है। सब कुछ सही है। इतनी कम उम्र में भी दोनों मादाएं काफी वक्त अकेले बिताती हैं। शेर के बच्चों के मुकाबले तेंदुए के बच्चे अक्सर मिलकर नहीं खेलते। बड़े होने पर ये नन्ही मादाएं भी अपनी माँ की तरह अकेली रहेंगी। काफी समय तक ये माँ अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करती रहेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो इसकी बेटियां आगे चलकर कभी इसके इलाके की विरासत संभालेंगी और इसी की तरह इस गैलरी फॉरेस्ट में छिपकर रहने वाली मलिकाएं बनेंगी।